राधे राधे। सो राधे राधे माय फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे भाई आपने देखा होगा अभी इस प्रकार की वीडियो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वीडियो लग रही है मेरे भाई। तो मेरे भाई वीडियो को अगर आपको ऐसी एडिटिंग सीखनी है, आपने ऐसी एडिटिंग इंस्टाग्राम पर देखी होगी, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है मेरे भाई। तो अगर आपको भी ऐसी एडिटिंग सीखनी है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलते हैं एडिटिंग की ओर। तो सबसे पहले मेरे भाई ऐसी एडिटिंग के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो महादेव के भक्त हो तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। तो सिंपली मेरे भाई ऐसी एडिटिंग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, एक है टर्बो वीपीएन एंड एक है हमारा कैपकट। तो वीपीएन आपको कोई सा भी डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और मेरे भाई आपको कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम अपना वीपीएन सिंपली कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको इस प्रकार से कुछ हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है कैपकट में, कैपकट को आपको ओपन कर लेना है। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान रखना, जैसे कि मैंने किया था, वीपीएन आपको कनेक्ट कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पर मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ क्लिप लेने हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। आपको जैसे कि मैं ये वाला क्लिप ले लेता हूँ एक, तो आपको मेरे भाई कुछ इसी प्रकार से क्लिप ले लेने हैं, जैसे कि मैंने ये वाला क्लिप ले रखा है। तो अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इस पर सिंपली आपको क्लिप पर क्लिक कर देना है और वॉल्यूम को आपको बिल्कुल डाउन कर देना है। यहाँ से आपको अनम्यूट भी कर सकते हो जैसे मैंने करके रखा है। तो इसकी वॉल्यूम को डाउन करने के बाद एंडिंग पार्ट आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद मेरे भैया आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आना है, थोड़ा आगे आना है मेरे भैया आपको, ऐड ओवरले पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और अब आपको क्या करना है, एक आपको बैकग्राउंड त्रिशूल का PNG ले लेना है, जो भी मटेरियल का इस मेरे भाई मैं आपको इसमें यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इसको कुछ हम इस प्रकार से रखेंगे। तो मेरे भाई अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो ब्लू कलर आ रहा है, आप देख रहे होंगे ब्लू कलर आ रहा है बैकग्राउंड में और हमारी त्रिशूल कुछ ख़राब सी लग रही है। तो अब मेरे भाई इसका भी इलाज है, आपको सिंपली स्लाइड स्क्रॉल करना है, ध्यान से देखना मेरे भाई, और आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और मेरे भाई क्रोमा की का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको यहाँ पे रखना है सर्कल को, आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर अंदर भी ये हो गया है ब्लू कलर। तो इंटेंसिटी को मेरे भाई आपको फुल कर देना है और शेडो को भी आपको फुल कर देना है, फिर आपको डन कर देना है। अभी आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा है, अभी आप देख सकते हैं हमारा त्रिशूल महादेव जी का यहाँ पे आ चुका है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, हमको ऐसे लगाना है इसको कि ऐसा लगे कि जैसे किसी ने त्रिशूल फेंका हो, किसी ने ऊपर से फेंका हो त्रिशूल, ऐसे बनाना है इसको। तो मेरे भाई आपको ऑडियो के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ऑडियो यहाँ पे ऐड कर देना, जौन सा भी आपने ऑडियो लगाना है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर देना है। जैसे मैं ये वाला ऑडियो लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ओवरले पर फिर से हम क्लिक कर देते हैं और इसको मेरे भाई आपको क्या करना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और मेरे भाई माइन प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा ऊपर आपको की फ्रेमिंग का, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको आगे आना है मेरे भाई, इतना आगे आना है आपको, और की फ्रेमिंग को फ्रेमिंग पे ऑप्शन पे मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है। और आपको फिर से इधर के साइड को आना है और इसको मेरे भाई आपको ऊपर की तरफ इस प्रकार से कुछ कर देना है। अब मेरे भाई आपको बीच में आना है, बीच में आने के बाद आपको मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पे मेरे भाई सिंपली आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको कस्टम का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे भाई, आप देख सकते हो, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और इसको मेरे भाई आपको कुछ नीचे की और इस प्रकार से कुछ पूरा लेकर आना है। अभी मेरे भाई आप देखना कुछ इस प्रकार से हमारा इफेक्ट बन चुका है, अभी आप ध्यान से देखना, आप देख सकते हैं मेरे भाई कुछ इस प्रकार से आ चुकी है हमारी त्रिशूल, अभी आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी लेट हो रही है गाइस, तो इस पर हम थोड़ा सा फिर से इस प्रकार से कुछ करेंगे। तो थोड़ा सा हम इतना आएंगे, इतना करेंगे इसको और इस पर क्लिक कर देंगे और फिर से फर्स्ट वाले उसमें आएंगे। पहले हम त्रिशूल को नीचे लेकर आते हैं, नीचे लेकर आते हैं त्रिशूल को, हम पहले इतना लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ तक हमको लाना है। तो इतना लाने के बाद मेरे भाई फिर से इस पर की फ्रेमिंग पर क्लिक कर देना है, आगे आना है और इसको कुछ ऊपर की तरफ हमको रोटेट कर देना है। और अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर आना है आपको, और इसको आपको पूरा यहाँ से इतना कर देना है। और अभी देखना मेरे भाई फिर से आप, अभी देख सकते हैं आप, तो अभी देख सकते हैं मेरे भाई आप कितने स्पीड में आ रहा है, आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं मेरे भाई कितने स्पीड में आ रहा है। तो और इसको बनाने के लिए आपको यहाँ से और भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से जैसे कि इस पर क्लिक कर देते हैं एक, मेरे भाई हम ये ट्राई करते हैं यूज़ आउट 3 का ट्राई कर देते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस पर क्लिक कर देते हैं और थोड़ा इसको और स्मूथ बनाने के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं और इसको कुछ ऊपर की तरफ लाते हैं, सॉरी कस्टम पर ही जाते हैं और इसको एक बार ऊपर की तरफ लाते हैं और एक बार ट्राई करते हैं कि यहाँ से स्पीड में आता है या नहीं आता है। तो इसमें स्पीड में आ रहा है गाइस, आप देख सकते हैं कितने स्पीड से आ रहा है इसमें भी। तो
आप देख सकते हैं मेरे भाई कितने स्पीड में आ रहा है। तो आपको नीचे ओरिजिनल रखना है, आप देख सकते हैं नीचे आपको ऐसा लगना चाहिए कि नीचे धरती फट चुकी है, तो इस प्रकार से रखना है। तो मेरे भाई ऐड वाले पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एक पीएनजी ले लेना है कुछ इस प्रकार से, इसको मेरे भाई कुछ आपको इसके नीचे रख लेना है इस प्रकार से, और आपको स्लाइड स्क्रॉल करना है। और मेरे भाई रिमूव बैकग्राउंड को आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और क्रोमा की पर जाना है और कुछ इसी प्रकार से मेथड आपको अप्लाई करना है और इंटेंसिटी को और शैडो को आपको फुल कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी मेरे भाई आप देख सकते हो, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे यहाँ से, इसको हम यहाँ से थोड़ा स्प्लिट कर देंगे आगे से, और इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख देंगे। तो अभी मेरे भाई आप ध्यान से देखना, तो अभी मेरे भाई देख सकते हो त्रिशूल हमारा इसके ऊपर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो इसके पीछे आ रहा है। तो इसको आप लिए आपको मेरे भाई क्या करना है, इस पर क्लिक करना है ओवरले पर, और इस पर मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है, स्लाइड स्क्रॉल करना है आपको, और मेरे भाई आपको यहाँ से स्लाइड स्क्रॉल लेयर ढूंढना है। तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा लेयर का ऑप्शन, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और इसको मेरे भाई आपको टू पर कर देना है। आप अभी मेरे भाई आप देख सकते हो ये आगे कुछ आगे आ चुका है। अब मेरे भाई आपको थोड़ा और रियल लगना चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ा धुआं भी ऐड करेंगे, ऐड ओवरले पर क्लिक कर देंगे और इसके लिए हम थोड़ा धुआं भी ऐड करेंगे। तो इसका लिंक जो भी मटेरियल लगा इस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको कुछ इस प्रकार से हम रखेंगे। और इसको मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से स्प्लिट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, थोड़ा आगे की ओर लाते हैं। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, क्रोमा की पर मेरे भाई आपको फिर से जाना है और इसको कुछ इस प्रकार से आप, और इसको ऐड नहीं करना चाहते गाइस, यहाँ से आपको क्या करना है, स्लाइस पर जाना है। स्लाइस पर जाने के बाद आपको फिल्टर कर देना है। अभी आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से हमारा धुआं बन चुका है। अभी आप देख सकते हो इसको कुछ बड़ा बना सकते हो। अभी देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, अभी आप अभी देख सकते हो मेरे भाई कितने प्यार से बना। आप इसको और भी स्मूथ बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाया इस तरीके से। सो मेरे भाई अगर आप भी महादेव के भक्त हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वीडियो बताई है मैंने आपको। सो मेरे भाई चलते हैं, आज के लिए बस इतना, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। Oh, oh, oh.